नमस्कार, एमपी लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी। और खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की ग्रामोदय से भारतोदय अभियान की समीक्षा। सीहोर के नसरुल्लागंज में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सामूहिक विवाह समारोह में नव दंपतियों को दिया आशीर्वाद और शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा का किया अनावरण। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सागर के रानीपुरा गांव में 7 ग्राम की ग्राम संसद को किया संबोधित। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिले के नसरुल्लागंज में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में सामूहिक विवाह समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की हर बेटी और महिला को समानता का अधिकार देने के लिए सरकार वचनबद्ध है। बेटियां मायके और ससुराल दोनों कुल का नाम रोशन करती हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को हर स्तर पर आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करवा रही है। बेटी के जन्म से लेकर विवाह तक और उसके बाद भी उसे विभिन्न योजना से लाभान्वित कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ग्रामोदय से भारत उदय अभियान का क्रियान्वयन पूरी गंभीरता और व्यवस्थित रूप से करें। ये जनता की समस्याओं का समाधान जमीनी स्तर पर करने का महत्वाकांक्षी अभियान है। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभियान में जनप्रतिनिधियों के सम्मान, संवाद और सहभागिता पर विशेष ध्यान दें। यह अभियान अब हर वर्ष आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टर्स और कमिश्नर्स के साथ अभियान की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान मुख्य सचिव एंटोनी डिसा भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सागर जिले के ग्राम रानीपुरा में आयोजित 7 ग्राम की ग्राम संसद को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गांव के सर्वांगीण विकास के लिए प्रदेश के प्रत्येक गांव की योजना अब गांव में बनेगी। उन्होंने कहा कि किसानों की माली हालत सुधारने के लिए राज्य सरकार ने कृषि विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने सतगढ़ सिंचाई परियोजना के लिए 436 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति को भी मंजूरी दी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने 3,79,00,000 रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया। केंद्रीय खेल राज्य मंत्री सर्वानंद सोनोवाल सिंहस्थ में नेहरू युवा केंद्र द्वारा स्वच्छता के लिए लगाए गए 1 माह के विशेष सेवा शिविर को संबोधित करने उज्जैन पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि मेहनत के जरिए परिवर्तन लाया जा सकता है। युवा भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए कड़ा परिश्रम करें। इस मौके पर परिवहन और उज्जैन जिले के प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह, सांसद कामाख्या प्रसाद तासा, विधायक द्वय अनिल फिजोरिया और डॉक्टर मोहन यादव, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज मौजूद थे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। EMS TV की सारी खबरें हमारी वेबसाइट में देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए EMS TV। नमस्कार।